हम लोगों ने जो अब तक देखा जर्नल एंट्रीज में, किसमें जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होते हैं हम उनको अपनी बुक्स में लिखते जाते हैं, भूल ना जाएं, क्या ना हो जाए, भूल ना जाएं किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। तो हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ 5 रुपये का, इवन 10 रुपये का, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने दिन भर में 10 बार कोई पेन खरीदी, कॉपी खरीदी, बार बार हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में उसका एंट्री करेंगे, ये नहीं कि शाम को आराम से बैठेंगे और देखेंगे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना खर्च हुआ, या महीने के अंत में देखेंगे कि प्रिंटिंग स्टेशनरी में महीने में कितना खर्च हुआ, एक बार एंट्री कर देते हैं ना। जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर होता है हम अपनी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। अब 50 बार मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया, और डेली नहीं किया, जनवरी में 5 बार किया, फरवरी में 10 बार किया, अगस्त में 4 बार किया, मई में किया ही नहीं, हो सकता है। अब अगर हमको ये जानना हो कि साल भर में मैंने कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर खर्च किया, तो हमको हर बार कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा और अपनी इतनी मोटी लेजर और कैशबुक को अपनी जर्नल एंट्री की बुक को, डे बुक को पलटना पड़ेगा और बार बार देखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैलकुलेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैलकुलेट करो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैलकुलेट करो, यानी इतनी बार एफर्ट करेंगे, दिमाग खराब। उसको क्या करेंगे, सिस्टमैटिक ले आएंगे एक जगह पर, और उस सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर एक जैसे रिकॉर्ड करने पर, एक जैसे सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करने पर, जिसको हम सॉर्टिंग भी कहते हैं, पोस्टिंग का नाम दिया गया है, लेजर का नाम दिया गया है। आज हमको यही सॉर्टिंग सीखनी है कि हम लोग जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पिक करेंगे जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री भी देखेंगे और पोस्टिंग भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे, क्या देखेंगे, जर्नल एंट्री देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 दिया है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 को लिखा है डिपॉजिट विद बैंक इन FD, डिपॉजिट विद बैंक इन FD, FD का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, मालूम है ना, कई लोगों को मालूम होगा FD क्या होता है, अभी मैं बता देता हूं। ₹5,000, मैंने 5,000 की एक FD करवाई एंड इन करंट अकाउंट ₹2,500, सर ये है क्या, 1 जनवरी को हमने 5,000 रुपये की एक FD करवाई। बैंक में हम पैसा 3 तरीके से जमा कर सकते हैं, कितने तरीकों से जमा कर सकते हैं, बैंक में हम लोग 3 तरीकों से पैसा जमा कर सकते हैं। पहला तरीका है बिजनेस का अकाउंट खोल करके, करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, उसमें से डेली ट्रांजेक्शन करेंगे 10 बार 20 बार, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अकाउंट का पर्पज ही होता है जितना ट्रांजेक्शन दिन भर में जितनी बार करना हो, यू आर अ बिजनेसमैन, आपको 50 लोगों से 50 बार पैसे मिलेंगे, 10 बार पैसे मिलेंगे, आप उनको अकाउंट्स में बार बार ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप बार बार अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हो, दिस इज़ द मेन पर्पज और द टारगेट ऑफ ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। अगर तुम लोग चाहो अपने नाम से करंट अकाउंट खोलना, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके नाम से कोई बिजनेस है ही नहीं, तो करंट अकाउंट किसके नाम से खुलता है, बिजनेस या बिजनेसमैन के नाम से, क्लियर। अच्छा, दूसरा तरीका है आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो सेविंग बैंक में। नॉर्मली अगर मेरे पास पैसा बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है, दिन भर में एक बार, दिनों में एक बार, महीनों में 2-4, 10-15 बार, तो हम सेविंग अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं। वैसे आज की डेट में आप दिन भर में 10-20 बार भी ट्रांजेक्शन अगर सेविंग में करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब सारे ऑनलाइन होते हैं, टेंशन से आप बच सकते हैं। लेकिन आदमी टेंशन नहीं लेना चाहता सेविंग की, महीने भर में जितना कमाया चलो एक बार जाकर के पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है ना, 2-4 बार निकाल लिया, जब जरूरत पड़ी तब निकाला। यह हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, कौन सा अकाउंट खोलते हैं, उसमें बार बार पर्पज़ ये नहीं होता कि बार बार जमा करो बार बार निकालो,
एक तीसरा और होता है जहां हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। आपके पास पैसा फालतू का पड़ा हुआ है, आप नौकरी करते हो, आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, घर का खर्चा घटा करके 60,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, 40,000 हर महीने बच जाते हैं फालतू का रखा हुआ है, क्यों ना हम इसको FD कर दें 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, कैश हाथ में रखा हुआ है, मेरा बिजनेस आराम से चल रहा है, अब एक्स्ट्रा और स्पेयर कैश पड़ा हुआ है, क्या करें उस कैश को? किसी को दान में दे दें, कहीं खर्च कर दें ज़बरदस्ती का? बोलो क्या करेंगे? मैंने कहा चलो जरूरत नहीं है, साल भर की FD कर लो, इवन 20-20 दिन की FD होती है, कितने दिन की? फालतू का 20 दिन के लिए पैसा पड़ा हुआ है, FD कर लो, इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ रहा हूँ, लोगों के पास 10 करोड़, मान लो मेरे पास 10 करोड़ एक्स्ट्रा है 15 दिन के लिए, FD करवा दी 15 दिन की 10 करोड़ पर, 15 दिन का पैसा तो इंटरेस्ट तो आया, कुछ तो मिला, वैसे तो वो भी नहीं मिलने वाला। तो कहा गया कि आप FD कर सकते, तो हमने FD इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, FD इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने अपना पैसा कहीं जमा किया है, उस पर मेरा कुछ कमाई हो जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट आ गई। क्या आ गई? एसेट आ गई। और एसेट आने पर जर्नल एंट्री होती है FD अकाउंट डेबिट, बोलो ना, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू कैश। मेरी जेब से क्या निकला? कितने रुपए का? 5,000। और मैंने बैंक में अकाउंट खोला, करंट अकाउंट, तो ये मेरा ही बैंक अकाउंट है। रिसीवर कौन है? बैंक। रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक क्या होता है? पर्सनल नेचर का होता है। बैंक क्या होता है? पर्सनल नेचर का होता है। और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरी जेब से क्या गया है? कैश गया है, तो हम लिख देंगे टू कैश। बोलते क्यों नहीं? जब मेरी रियल अकाउंट यानी एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं 2,500 रुपये। किसी को कोई टेंशन हो, दिक्कत हो, पूछ सकता है। नहीं, दूसरा, 2 जनवरी को गुड्स परचेस किया है और 500 रुपये चेक से पेमेंट किया है, लिखना शुरू, लिखो 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 मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं। परचेज मतलब मत लिखो, कहने का मतलब ये है, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, परचेज गुड्स एंड पेड बाय व्हाट? चेक। कितना रुपया है? 500। अब बताओ, किसी को हमें 500 रुपये देना हो, कितनी शान शाही से मैं आ रहा हूँ, आओ चेक काट करके देते हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं, 500 रुपये का चेक काट करके दिया, मूर्ख बना रहे हैं। 2 जनवरी को हमने गुड्स परचेज किया, सबसे पहले तो सामान परचेज करो, परचेज किया तो जब सामान आता है, स्टॉक आता है, तो स्टॉक यानी रियल अकाउंट हमारा बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है तो आने पर हम उसको परचेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का सामान है तो आने पर, खरीदने पर उसको परचेज लिखेंगे, लेकिन अगर एसेट आती तो क्या डेबिट करते? एसेट डेबिट करते, सामान को डेबिट नहीं करते। टू कैश करते अगर कैश से पेमेंट हुआ होता ना, अब बैंक से देने वाला कौन? अब बैंक, तो गिवर इज बैंक, तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट टू बैंक। कितना? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, सैलरी पेड बाई चेक 250, सैलरी पेड बाई चेक 250। अगर हम सैलरी पे करते हैं तो मेरे लिए सैलरी खर्चा है, और खर्चे को हम डेबिट करते, मानते हो ना? अगर मैं लिख दूं सैलरी पेड टू वाई, तो क्या लिखेंगे सैलरी की जगह? वाई। क्या लिखेंगे? इतनी मार खाओगे तुम लोग। खर्चों को खर्चे खाते में ले जाते हैं, पर्सनल नाम से नहीं जोड़ते। चाय पी, किससे पी? अशोक से पी, तो अशोक का खाता डेबिट। अरे चाय का खाता डेबिट करो, चाय का, अशोक को 3 रुपए से मत डेबिट करो। मेरी बात समझना, क्लियर है? बोलो ना। तो जितने भी खर्चे होते नॉमिनल, वो उन खर्चों के नाम से आते और जाते, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक से है तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 250। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 जनवरी का है, सेल किया गया है छेदी लाल को
चार जनवरी को सेल टू कितने रुपए का सामान है? 500 का। अच्छा, अगर सामान बेचा जाता है तो हमारे लिए सामान गया, जो परचेस किया था वो गया, तो परचेस जब जाता है तो उसको हम सेल कहते हैं, हाँ या ना? बेचने के लिए सेल्स अकाउंट कितने रुपए का? अच्छा, क्या कैश में बेचा? ना, कहीं नहीं लिखा कैश में, पार्टी का नाम दिया हुआ है। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया होता तो हम मान लेते, केवल लिखा रहता गुड सोल्ड 500, तो हम मान लेते ये कैश सेल्स है। कैसे मान लें कैश सेल्स है? जब पार्टी का नाम दिया हो तो नहीं मानेंगे कैश सेल्स। या तो दिया होता इन कैश, ऐसे दिया होता तो हम मान लेते कैश सेल्स है, पार्टी का नाम हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है ना? तो हम लोग इसको फिलहाल हटा देते हैं, ये तो दिया नहीं है। गुड्स सोल्ड टू छेदीलाल, इसका मतलब कैश नहीं है, ये क्रेडिट है, क्योंकि पार्टी का नाम दे रखा है और कैश की कहीं बात नहीं बोला है। तो जब उधार माल बेचते हैं तो जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं। सामान मैंने तुमको बेचा तो तुमने सामान रिसीव किया, रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट, यानी छेदीलाल अकाउंट डेबिट। बोलो ना। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। रिसीव्ड चेक फ्रॉम छेदीलाल, अच्छा 6 जनवरी को चेक रिसीव्ड फ्रॉम छेदीलाल, 500 रुपए का चेक मिला है। तो चेक मिला है तो रिसीवर कौन है? अब बैंक, पैसा लेने वाला कौन? बैंक। तो बैंक को डेबिट करो, रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 500। और देने वाला कौन? छेदीलाल। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल इजी वे में हो रहा है। मैथ साइड का कोई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? छेदीलाल्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओ, यानी इसने जो चेक लिया है वो डिपॉजिट। हमने तो ये मान लिया कि चेक आया और मैंने तुरंत डिपॉजिट कर दिया। अगली लाइन में लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम छेदीलाल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 7 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम छेदीलाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा ये बात है, ये तो हमें मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने तो ये मान लिया था जो चेक आया वो डायरेक्ट बैंक में गया, लेकिन अब बैंक में नहीं गया डायरेक्ट, मेरे हाथ में आया चेक। और जब चेक हाथ में आता है, चेक अगर मेरे हाथ में आता है तो तुम लोगों ने आज तक पढ़ा है कैश अकाउंट डेबिट होगा, चेक इन हैंड डेबिट होता है, कभी कैश अकाउंट। क्या कैश आया तुम्हारे हाथ में? 100 रुपए गांधी जी छपे हुए उसमें? बोलो ना। तो कैश अकाउंट डेबिट तो मत करना है, जो पड़े हो सो गलत है वो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू छेदीलाल, ये मेरे हाथ में आ गया, कैश नहीं आया, क्या आया? चेक इन हैंड। अब 7 जनवरी को हम इस चेक को कहाँ दे देंगे? बैंक में। तो रिसीवर कौन है? बैंक। तो बैंक को डेबिट करो, रिसीवर इज बैंक, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं। और गिवर क्या है? जा क्या रहा है मेरी जेब से? चेक। तो चेक इन हैंड खत्म हो गया। अब समझ में आया? लेकिन अगर ये लाइन नहीं दी होती हम सीधे यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू छेदीलाल कर सकते थे। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी को सामान बेचा है अनिल को और 500 रुपए चेक मिल गया। चेक मिल गया तुरंत 7 जनवरी को ही, तो तुरंत चेक मिलता है तो नकद सेल है एक तरह से, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो मेरे पास चेक आ गया, चेक कहाँ गया? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर है बैंक, कितने रुपए का?
500 और सामान मैंने क्या किया है, बेचा है, तो टू सेल्स आया ना। किसी को दिक्कत है इसमें? है नहीं? अनिल कुमार का चेक हमने विनोद को दे दिया, किसको दे दिया, विनोद को दे दिया। चेक ऑफ अनिल एंडोर्स्ड टू विनोद 8 जनवरी। क्या करें अब, यहां पर फिर वही प्रॉब्लम, यहां पहले चेक आया था मेरे हाथ में था फिर बैंक में गया, इसका मतलब यहां पर भी वही केस है, चेक बैंक में नहीं गया है, चेक मेरे हाथ में आया और उसको मैंने बैंक में न देकर विनोद को दे दिया। तो पहले तो चेक हाथ में ले लो, बैंक में तो गया ही नहीं है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट बोलो। और अब विनोद को देना है तो रिसीवर कौन है, विनोद, तो विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद कुमार अकाउंट डेबिट कितने रुपए से और क्या ले जा रहा है वो, चेक इन हैंड। समझ में आई बात, अगर ये नहीं लिखा होता कि विनोद को दिया तो हम मान लेते कि हमने डायरेक्ट कैश चेक लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्लियर है। अच्छा, रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट 250 रुपए का 9 जनवरी 2015 को रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम सुशील ₹250। किस तारीख की बात हो रही है, 9 जनवरी की, बोलो ना। अब चेक मिले या बैंक ड्राफ्ट मिले, जाता तो दोनों बैंक में ही है। अगर हम लोगों ने CA CS या CMA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो तुम लोगों ने क्या बनवाया था, डिमांड ड्राफ्ट, यह उसी की बात है, डिमांड ड्राफ्ट बोलो या बैंक ड्राफ्ट बोलो। अगर वो ड्राफ्ट मुझे मिल जाए रास्ते में गिरा हुआ, ये जा रहा था लेकर कि चलो CA इंस्टीट्यूट के नाम से बनवाया है, मुझे मिल जाए और मैं उसको बैंक में डाल दूँ तो क्या मेरे खाते में आ जाएगा, वो जाएगा तो CA इंस्टीट्यूट जिसके नाम से बैंक ड्राफ्ट बना हुआ है, पक्की बात है। तो ये बैंक ड्राफ्ट मेरे नाम से बना हुआ है, जाएगा अकाउंट, पैसा किस में, मेरे बैंक अकाउंट में। इसको अगर गिरा हुआ भी मिल जाएगा और अपने बैंक खाते में डालेगा, जाएगा मेरे ही पास, ठीक है ना। तो बात वही हुई, सीधे बैंक बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील कुमार, गिवर कौन है, सुशील कुमार, कितने रुपए से, 250। जो तुम लोग 11 12th में पढ़ते थे उस समय यहां लिखा रहता था कैश, दिमाग से ये सब निकाल दो, अब कैश रखते थे ना, बैंक ड्राफ्ट मिलता था तो कैश लिखते थे, चेक हाथ में आता था तो कैश लिखते थे, अब वो चीजें नहीं रही, ठीक। अच्छा, अनिल कुमार का चेक डिसऑनर हो गया, बदमाश निकला, 10 जनवरी का अनिल कुमार चेक डिसऑनर्ड, अनिल कुमार ने हमको चेक दिया था, देखो ना ये आया ना, और हमने वो चेक किसको दे दिया था, आई दादा, हमारे पास एक चेक आया 7 तारीख को, कितने का, 500 रुपए का, ये, और उसको हमने किसको दे दिया, यही तो एंट्री हुई, पहले चेक आया और उसको मैंने किसको दे दिया। अब पता चला कि बेटा हमने जो ये एंट्रीज की थी ना चेक से रिलेटेड, वो गलत कर दी थी, डिसऑनर हो गया चेक,
हमें चेक किससे मिला था? तो अनिल को कभी सेल किया था क्या? कुछ कहीं लिखा है अनिल को सेल किया? बोलो, चेक किस लिए दिया था उसने? दोस्त था, भाई था, अरे कुछ ना कुछ माल बेचा होगा, लिखा है कहीं? अच्छा 7 तारीख को, तो उसकी एंट्री हम लोगों ने क्यों नहीं की? इधर एक बीच में एंट्री बढ़ा देना, ठीक है ना, यहाँ बीच में एक एंट्री बढ़ा देना, गुड सोल्ड टू अनिल, अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो ये एंट्री तुम लोग बढ़ा देना, ये हमसे छूट गई शायद। तो इसका मतलब हमें फोकट में कोई चेक नहीं देने जा रहा। पहले मैंने उसको माल बेचा है, फिर मैंने कहा पैसा दो, तो उसने मुझे चेक दे दिया। क्या दे दिया? चेक दे दिया, हाँ या ना? और उस चेक को मैंने क्या किया है? ये एंट्री यहाँ, इस चेक को मैंने क्या दे दिया? विनोद को दे दिया। पहले मैंने सेल किया, मुझे चेक मिला, मैंने चेक विनोद को दे दिया। पहले मैंने माल बेचा, फिर मैंने चेक लिया, फिर मैंने विनोद को दे दिया, यही तो हुआ। अब पता क्या चला है कि हमने जो ये ट्रांजेक्शन किया है वो क्या है? क्या है? गलत कर दिया हमने, माल तो बेच दिया, हमने माल बेच दिया, लेकिन उसके यहां से पैसा नहीं आया, उसके यहां से पैसा नहीं आया। हमने यहां लिखा था चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब जरा ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हमको यहां लिखना क्या चाहिए था? सेल हो गया, अब हमें लिखना चाहिए था, चलो मैं दोबारा बताता हूं इस एंट्री को, इन तीनों को मैं काट दूं, 7 तारीख की एंट्री हम दोबारा बताते हैं, 1, 2 और 3 इधर आ जाओ। सबसे पहले हम अनिल को माल बेचे 7 जनवरी को, तो हम एंट्री करेंगे अनिल कुमार अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स। कितने रुपए से? 500। और उसके बाद इस अनिल कुमार से मैंने कहा मुझे पैसा दो, तो उसने मुझे चेक दे दिया। क्या दे दिया? तो मेरे हाथ में चेक आया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल कुमार, अनिल से मिला है ना, तो मैंने अनिल का खाता खत्म कर दिया, ये मानते हुए कि बड़ा ईमानदार आदमी है। और मैंने उस चेक को अपने पास न रखते हुए या तो मैं बैंक में जमा कर दूं, या फिर हम उसको कहां ले जाएं, किसी को दे दें। मैंने ये चेक विनोद को दे दिया, मुझे उसको पैसा देना था, विनोद से मैंने सामान खरीदा होगा या पैसा लिया होगा, उसको मुझे पैसा वापस करना था, तो मैंने कहा मेरे हाथ में चेक है, उसी को दे देते। बोलो, तो अब रिसीवर कौन हो गया? विनोद कुमार। तो विनोद कुमार अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब बाद में क्या पता चला, हमने जिसको ईमानदार समझा था वो एक नंबर का चुट्टा निकला, उससे पैसा जो मैंने लिया था, इसका मतलब उसने पैसा हमको दिया ही नहीं, उसने हमको मूर्ख बनाया। तो अब मैंने जो एंट्रीज की हैं, क्या एंट्री की? चेक से रिलेटेड ये दो एंट्रीज की, भरोसा करके चेक लिया और भरोसा करके चेक किसी और को दे दिया, तो दोनों का भरोसा टूटा। एक तो मेरा अनिल से भरोसा टूट गया और विनोद का हमसे भरोसा टूट गया, दोनों टूटे हुए हैं। दोनों की एंट्रीज रिवर्स करो, चेक मिलने की जो एंट्री थी वो गलत कर दी, इसका मतलब डिसऑनर हो गया, चेक देने की जो एंट्री थी वो गलत हो गई क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। अब वापस मुझे अनिल से पैसा मांगना है और विनोद भी वापस हमसे पैसा मांगेगा, नहीं समझे? अनिल से मैं मांगूंगा, भाई तूने जो मुझे चेक दिया था डिसऑनर हो गया, पैसा लाओ, वो पैसा देगा, और जिसको मैंने चेक विश्वास करके दिया था ये ले जाओ चेक कैश मिल जाएगा, उसका भी भरोसा टूट गया। अब जब डिसऑनर हो गया तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, कहा भैया तुमने जो चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, वो मुझसे मांगेगा। तो ये जो दो एंट्रीज हुई हैं, अब काट तो सकते नहीं हम, इसके इफेक्ट को जीरो जरूर कर सकते हैं। जीरो कैसे करेंगे नील? रिवर्स करके। चेक चेक तो पहले ही कट चुका है, चेक चेक क्या कट चुका है, तो इसको रिवर्स करने से कोई फायदा तो है नहीं, तो उससे अच्छा है विनोद को डेबिट किया था क्रेडिट कर दो, अनिल को क्रेडिट किया था डेबिट कर दो, ये भी जीरो हो जाएंगे, यानी कि हमें ना अनिल से पैसा मिला ना मैंने विनोद को पैसा दिया, अपनी जगह सब आ गए। अगर हम रिवर्स कर दें, क्या रिवर्स कर दें? अनिल कुमार अकाउंट डेबिट
टू विनोद कुमार, डिसऑनर हो गया ना 500। तो देखो अब क्या कट गया, विनोद का खाता कट गया और अनिल का भी अकाउंट कट गया, सब नील बटा सन्नाटा हो गया, इतना जीरो। ये क्या हो गया? जीरो हो गया। अब जब जीरो हो गया तो इसका मतलब केवल मैंने माल बेचा है, पैसा मुझे मिला और ना मैंने विनोद को दिया, वापस आ गए जहां थे वहीं आ गए। तो हमें ये एंट्रीज करनी पड़ेंगी। यहां मैंने क्या कर दिया था, सीधे सेल्स दिखा दिया था, ये मान लिया था कि चेक हमारा इन कैश हो गया या वो चेक ऑनर हो गया। अगर ऑनर हो गया होता तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फिलहाल आगे जाकर वो डिसऑनर हुआ। और मैंने तुम लोग को ये बताया था अगर किसी से उधार माल खरीदो या उधार माल बेचो या चेक लो चेक दो कुछ भी करो उसके अकाउंट से रोटेट करो, लास्ट क्लास में मैंने ये बताई थी। और ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग थोड़ा गलती कर देते हैं। देखो मैंने थोड़ा शॉर्टकट अडॉप्ट किया, वहीं पर हम मात खा गए। मेरी बात समझे, क्लियर है? तो हम लोग शॉर्टकट नहीं डिटेल में चलेंगे, फिर वापस उसी चीज़ पर आते हैं। इनको हटा दें एंट्रीज को, ये फिर से याद दिलाना 7 तारीख 9 तारीख की। चल 7 जनवरी को क्या एंट्री होगी, अनिल कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने उधार माल बेचा 500 का, बोलो। उसके बाद मैंने इससे चेक ले लिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल कुमार, बोल तो ना। अच्छा ये तो था 7 तारीख का। 8 तारीख को मैंने चेक जो था अनिल का वो मैंने किसको दे दिया, तो विनोद कुमार अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कितने रुपए से, 500 से। और उसके बाद में पता चला ये चेक क्या हो गया, वो तो बाद में पता चला, फिलहाल 9 तारीख की एडजस्टमेंट करते हैं, बीच में एक और ट्रांजैक्शन है। और 10 तारीख को हमारा चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। यानी चेक से रिलेटेड दो एंट्रीज की थी मैंने, ये देखो ना चेक चेक दोनों को अब उल्टा करो, दोनों को क्या करो, क्योंकि चेक मिला नहीं चेक गया नहीं, जिसको मैंने दिया वो हमसे मांगेगा, जिससे मैंने लिया हम उससे मांगेंगे। तो चेक चेक की तो एंट्री कट गई, बचा क्या, अनिल कुमार अकाउंट डेबिट रिवर्स करना पड़ेगा टू विनोद कुमार कितने रुपए से। अच्छा ये एंट्री भी हो गई, बीच में कौन सी एक आई थी एंट्री 9th, रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील कुमार 250। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना थी। चल ये हमारी ट्रांजैक्शंस हो गए, आगे चल सकते हैं। 11 तारीख को सुशील कुमार का ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिया, चलो मान लिया उसी दिन हो गया। आगे चलते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ओ 12 जनवरी को विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक ₹250 फॉर ऑफिस यूज। एंड विड्रॉ किया है बैंक से फिर 250 फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक से पैसा निकाला कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो हम निपटाएं। तो मैंने बैंक से पैसा निकाला किस तारीख को, नोट कर लो यहां तक।
चलो बारह तारीख को हमने विड्रॉ किया बैंक से कितना 250, तो हमारे हाथ में क्या आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट आती है तो डेबिट होता है 250, देने वाला कौन बैंक, बोलो ना, लिखा है पैसा निकाला है ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए पैसा निकाला है तो खर्च भी तो किया होगा, खर्च भी तो किया होगा, कहाँ ट्रांसफर कर दें, बस यही गलती मत करना, कहाँ लिखा है कि ऑफिस के लिए हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे खर्च किया, वो तो हमने कैश रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस खर्च को करेंगे, बात समझ रहा, लिखा है खर्च करने के लिए मैंने पैसा निकाला है, अभी खर्च किया नहीं है, ये कहाँ लिखा है खर्च कर दिया, अच्छा 250 और निकाला है, लेकिन बेटा वो पर्सनल है, और पर्सनल मैंने तुम लोग को बोला था जब पैसा लगाते हैं बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, याद होगा, जब पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो क्या क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि देने वाला कौन कैपिटल, देने वाला कौन मालिक, तो मालिक का खाता क्रेडिट करते थे, अब लेने वाला कौन मालिक, तो मालिक का खाता डेबिट कर दो, बोलो ना, तो डेबिट हमेशा हम ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से करते हैं, कैपिटल के नाम से नहीं करते, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार ड्रॉइंग करो, साल में एक बार सारे ड्रॉइंग उठाकर हम मालिक के खाते में डाल देंगे, साल भर में जितनी भी ड्रॉइंग्स होंगी वो सब एक साथ मालिक के खाते में ट्रांसफर कर देंगे, देने वाला कौन, समझ में आई बात, आगे चले, लिखा है रिसीव्ड एन आउटस्टेशन चेक फ्रॉम विपिन कुमार एंड डिपॉजिटेड इन टू द बैंक 13 तारीख को, रिसीव्ड एन आउटस्टेशन चेक फ्रॉम विपिन कुमार एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और क्या करेगा भाई, चेक लेकर हाथ पे थोड़ी रखेगा, वो तो बैंक में ही जमा करेगा, कितने रुपए का 500 का, तो अब हमारा 13 तारीख को क्या एंट्री बनेगा, मैंने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया है, तो लेने वाला कौन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर को डेबिट कर लो, और देने वाला कौन, विपिन, बोलो ना, क्रेडिट कर दो, क्लियर, विपिन कुमार चेक कलेक्ट हो गया और उस पर 2 रुपए का खर्च आया है, हाँ 16 तारीख को चेक कलेक्टेड बाय बैंक एंड कलेक्शन चार्जेस ₹2, 2 रुपए कलेक्शन चार्जेस के आए हैं, तो ये कलेक्शन चार्जेस मेरे लिए क्या है, खर्चा, कलेक्शन चार्जेस मेरे लिए क्या है, खर्चा, हम तो पहले ही दिखा रहे हैं बैंक में पैसा आ गया, बैंक वाले ने कलेक्ट कर लिया तो पैसा तो बैंक ही में रहा, दोबारा बैंक में पैसा बढ़ नहीं ना जाएगा, मैंने पैसा दिखाया बैंक वाले के पास है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, अभी भी पैसा बैंक वाले के पास है, तो हमें दोबारा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को 2 रुपए खर्च करने के दिखाने की जरूरत है कि मेरी जेब से कितना गया 2 रुपया, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कौन सा खर्चा, कितना रुपया, कहां से निकलेगा, बैंक वाला हमसे कैश लेगा क्या, ना वो तो मेरे खाते से निकाल लेगा सीधे, उसने मेरे खाते में 500 डाला और 2 रुपया निकाल लिया, तो निकालेगा कौन, बैंक, आया ना, पक्का, यानी उस खर्चे को करने वाला कौन, बैंक, उसके खाते में क्रेडिट कर दिया, देने वाला बैंक,
लास्ट एडजस्टमेंट। ट्रांसफर किया है करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट रुपीस। सारे ट्रांजैक्शन 500 में ही कर रहा है ये 500। तो अब बताओ 17 तारीख को मेरा फिर एफडी बढ़ गया, एफडी फिर बढ़ गया, एसेट फिर बढ़ गई मेरी। तो एफडी जब बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हो। देख इधर रहा है, लिख इधर रहा है, हमको हमको मूर्ख समझ रखा है कि हम सर को देखेंगे, सर को लगेगा ये पढ़ रहा है, नीचे इसकी पेन चल रही है। मतलब हम यहाँ जब 10 मिनट आप लोगों को छोड़ेंगे तो, और लिखने के लिए तो छोड़ेंगे अभी, तो समझ लो पेन हम कल से छीन लेंगे। पहले तो तुम लोग की पेन यहाँ पहले जमा करेंगे, लिखवाएंगे, उसके बाद फिर पेन बांटेंगे। अब लिखो लो बेटा, चलो। ट्रांसफर किया है करंट से फिक्स डिपॉजिट में, ₹500, और कहाँ से निकला है, करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैश, यानी बैंक में गया था पैसा, बैंक से निकला, देने वाला कौन, बैंक, दैट्स इट। दीज आर द ट्रांजेक्शन्स। अब हमें इन ट्रांजेक्शन्स की आज क्या सीखनी है, पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। पहले नोट कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग का पहला रूल, जो हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग की आदत क्या है, अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ पढ़ करके आया है तो उसके दिमाग में क्या होता है पोस्टिंग, ज़रा मैं पहले बता दूं और फिर उस चीज़ को बताऊं कि वो चीज़ गलत है। आप लोग क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं एफडी अकाउंट, बना लेते हैं, फिर तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं टू कैश 5000, अभी मैं रफ बता रहा हूँ, फिर खोजते हैं कहीं एफडी लिखा है क्या, अरे हाँ लिखा है, फिर लिखेंगे आप बैंक 500, ऐसे करते हो ना, फिर दूसरा अकाउंट बनाते हो, क्यों, कितने लोग ऐसा करते हैं, सारे लगभग, कोई ऐसा नहीं हो जो ऐसा ना करता। ये तरीका बिल्कुल, ये तरीका मैंने तो नहीं बोला, ये तरीका गलत है। चलें कैसे करते हैं जरा ढंग से देखें, और बहुत ही आसानी से कंप्लीट होता है, बिना टेंशन के कंप्लीट होता है, क्योंकि बाद में सब ट्रांसफ़र करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है कि नहीं, उस बात पर टेंशन हो जाती है, ट्रायल बैलेंस मैच क्यों नहीं करता, फिर मैच कराते हैं पीछे जा करके और मैच फिक्स हो जाता है। पहला अकाउंट कौन सा खुला हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा खुला हुआ है, कैश। तुरंत इसके नीचे हम लोग एक अकाउंट खोल लेंगे। नॉर्मली कैश और बैंक का अकाउंट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में होता है, कैश और बैंक का अकाउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेजर में जो हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, ज़रा देख लें, ये होता है अमाउंट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर डेट, इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड, कौन सी साइड,
ये है तुम्हारा डेट पर्टिकुलर कैश बुक फोलियो एंड अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है किसी भी लेजर को बनाने का। ये क्रेडिट साइड है, तो सर डेबिट साइड सेम, ये आपका अमाउंट, कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर एंड डेट, इसको हम कहते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? डेट, पर्टिकुलर, कैश बुक फोलियो एंड अमाउंट। हम लोग अभी जो बनाएंगे ऐसे ही नॉर्मल बना देंगे, तो टेंशन ना लेना। कॉलम तो इतने बनते हैं जितने नीचे बने हैं, तो तुम लोग को फॉर्मेट यही यूज करना है। कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? फॉर्मेट ऑफ लेजर लिखना है या चले आगे? इसको बनाना है नहीं बनाना है? चलो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इतना बड़ा है अकाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर एंड डेट। अमाउंट कैश बुक फोलियो मैंने छोड़ दिया, पर्टिकुलर एंड डेट। ठीक, सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। फिक्स डिपॉजिट क्या हुआ है? और डेबिट इस साइड होता है, क्रेडिट इस साइड होता है, बोलो ना। अच्छा, डेबिट किस अकाउंट को करना है? किस अकाउंट को डेबिट करना है? तो फिक्स डिपॉजिट को डेबिट कर लो, फिक्स डिपॉजिट को टू कैश करके। अच्छा सर नहीं समझ में आया, छोड़ दो। फिक्स डिपॉजिट को डेबिट कितने से करोगे? अमाउंट डाल दें, किस डेट में? पर्टिकुलर लिखना है तो पर्टिकुलर में हम लिख दें फिक्स डिपॉजिट। यहां पर फिक्स डिपॉजिट लिख दें तो समझ में नहीं आएगा कि पैसा गया कैसे। समझने के लिए केवल हम यहां पर्टिकुलर यानी उसका काउंटर पार्ट लिखते हैं, केवल समझने के लिए। किसके लिए? केवल समझने के लिए मैं यहां लिखूंगा टू कैश। यहां डेबिट साइड टू का यूज होता है और क्रेडिट साइड बाई का यूज होता है। आया नहीं बाई, ठीक है ना? तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। क्लियर है? बोलो भाई। अब आते हैं दूसरा अकाउंट उसके साथ बना हुआ है। कौन सा अकाउंट है वो? तो कैश अकाउंट बना लिया हमने। बोलो पक्का कौन सा अकाउंट? तो लिखा है कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, तो यहां लिखें या यहां लिखें? क्रेडिट साइड में लिखो, लिखा ही है क्रेडिट साइड में। लिखने के लिए कितना रुपया? 5000। किस तारीख को? किस नाम से? बाई एफडी, फिक्स डिपॉजिट, पूरा लिख देना। अब केवल समझने के लिए मैंने एफडी लिखा है कि पैसा गया कहां, कैश का पैसा गया कहां? एफडी में गया। कैश गया कहां? गया एफडी में गया। क्लियर है? देखो ना, एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट कर दिया, एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट कर दिया। लेजर में देखो अपने आप ये आ गया, ये डेबिट और वही अमाउंट क्रेडिट। तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, मिल गया ना। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक का भी अकाउंट खोल दें? किसका? बैंक अकाउंट।
बोलो ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने रुपए से? 2500 से। किस तारीख को? 1/1/2015 को। कहाँ गया बैंक में पैसा, कहाँ से आया? कैश से आया, बोलो ना, पक्का? तो हमने बैंक में एंट्री कर डाली, अब किस में एंट्री करनी बाकी है? कैश अकाउंट में करनी है। कैश को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर दो, कितने रुपए से? किस तारीख को, किस नाम से? बाय बैंक। केवल समझने के लिए मैंने लिख दिया बैंक। तो मेरा पैसा कहाँ कहाँ गया? एफडी में गया 5000 और पैसा बैंक में गया 2500, दिख रहा है सामने? तो मैंने इसका भी डेबिट और क्रेडिट कर डाला, एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट, समझ में आई बात? तीसरा देखते हैं, परचेज अकाउंट, नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, बोलो। तो हमने एक नया अकाउंट खोल दिया, कौन सा? परचेज अकाउंट, कोई दिक्कत है? परचेज अकाउंट को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कर दो 2/1/2015 से। किस अमाउंट से? 500 रुपए से। किस लिए? परचेज कैसे किया है? बैंक, यानी पैसा कहाँ से गया होगा? बैंक से, यानी चेक से चला गया पैसा। परचेज में तो मैंने डेबिट कर दिया, बैंक में भी तो क्रेडिट करना है, बैंक में क्रेडिट कर दे, हाँ या ना? तो बैंक में क्रेडिट कर दो 500 रुपए से। किस तारीख को और किस लिए गया है? परचेज में गया है, समझ में आई बात? तो देखो ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट हो गया या नहीं, दोनों का ट्रांजैक्शन मैंने कवर कर लिया। साथ साथ करते जा रहे हैं, टेंशन खत्म होती जा रही है, बाद में बार बार छांटने और ढूंढने का झंझट नहीं है। फिर आएंगे, सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर जितने अकाउंट उतने अकाउंट, बिल्कुल सही है, जितने अकाउंट हम लोगों ने खोले हैं वो सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन सा अकाउंट? सैलरी का अकाउंट। सैलरी को डेबिट करना है कितने रुपए से? 3 जनवरी को सैलरी को डेबिट करना है 250 रुपए से। पैसा गया है, कैसे गया है? कैश गया है, अच्छा देखो ना, बैंक से गया है। अच्छा, सैलरी को तो हमने डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट तो करो, बैंक को क्रेडिट तो करो, भाई 250 रुपए से सैलरी के खाते में गया है, यानी मेरे पास बैंक में जितना पैसा था उसमें से कुछ पैसा परचेज लेकर लिया और कुछ पैसा सैलरी में दे दिया। किस तारीख को? तो ये हमने क्रेडिट भी कर डाला। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, डेबिट क्रेडिट हो गया या नहीं? एक डेबिट और एक हो गया ना। अब उसके बाद छेदीलाल का अकाउंट खोलना पड़ेगा, कितने रुपए से? 500 रुपए से। अकाउंट यहाँ ओपन कर लें कि इसको इतना हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दें, अब तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को, ट्रांजैक्शन कवर हो गया, बोलो ना। डेट वाला छोड़ दे रहे हैं। चलो अब आना, 4 जनवरी को छेदीलाल का अकाउंट बना, छेदीलाल को डेबिट करना है कितने रुपए से? किस तारीख को? किस नाम से? टू सेल्स, चलो कर ही देते हैं। ठीक है, तो छेदीलाल का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट क्या करना है? तो सेल्स का अकाउंट खुला है क्या? तो यहाँ पे खोल देते हैं, कौन सा अकाउंट? सेल्स का अकाउंट। सेल्स का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट होगा, कितने रुपए से? किस डेट में? किस लिए, किसको सेल किया है? तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गए, बोलो।
फिर चेक इन हैंड क्या करें? अच्छा इधर ही बना दें। चलो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड को डेबिट करना है कितने रुपए से, किस तारीख को, किसके नाम से? छेदीलाल। बोलो तो ये 500 डेबिट हो गया। क्रेडिट भी तो करना है, किसको कर दो, कितने रुपए से, किस डेट में, क्यों, क्योंकि उसने हमें क्या दे दिया। तो देखो एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। पक्का नहीं समझ में आ रही बात? तो इन दोनों का भी ट्रांजैक्शन क्या हो गया? अब फिर से 7 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लो कितने रुपए से, 7 जनवरी में, क्यों, चेक इन हैंड, डेबिट हो गया तो ये मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया। चेक इन हैंड में क्रेडिट करना है तो क्रेडिट कर दो 500 रुपए से, किस डेट में, 7 जनवरी में, बाय बैंक, पैसा आ गया होगा, 500 रुपए डेबिट और क्रेडिट हमने दोनों कर लिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है? पक्का ना? इसको भी हम लोगों ने हटा दिया। अब आते हैं अनिल कुमार का अकाउंट खोलते हैं, किसका, अनिल कुमार को डेबिट करते हैं कितने से, 7 जनवरी को, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, सेल्स किया, टू और बाई लिख देना, डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करना है, सेल्स को, कितने रुपए से, 500 रुपए से, किस तारीख में, क्यों, क्योंकि सेल किया है किसको, अनिल कुमार। बोलो अब ये भी हमारा डेबिट और क्रेडिट हो गया, इसकी कोई जरूरत है? अब फिर आते हैं चेक इन हैंड को डेबिट करना है, इसको कितने रुपए से, क्यों, अनिल कुमार के नाम से। बोलो किस तारीख में, 7 जनवरी होगा तो डेबिट तो हो गया। क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट कर दो कितने रुपए से, 7 जनवरी में, क्यों, क्योंकि चेक इन हैंड। बोलो तो ये डेबिट और क्रेडिट हो गया। पक्का? तो ये भी खत्म। अब आते हैं 8 जनवरी को किसका अकाउंट खोलेंगे, विनोद कुमार का। विनोद कुमार को डेबिट करो 8 जनवरी को कितने रुपए से, 500 से, क्यों, क्योंकि उसने चेक दिया कि लिया, चेक लिया, तो 500 रुपए से विनोद कुमार हमारा डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करना है, कितने रुपए से, विनोद कुमार के नाम से। बोलो पक्का ना, कोई दिक्कत है? तो ये ट्रांजैक्शन क्या कर दें, उड़ा दें? पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील, डेबिट किसको करना है, तो बैंक को डेबिट करो कितने से, 250 से, सुशील कुमार के नाम से, 9 जनवरी को, तो डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करना है, सुशील कुमार को।
चलो सुशील कुमार का अकाउंट खुल गया, क्रेडिट कर दें कितने रुपए से, किस डेट में खत्म हो गया, 250 डेबिट और 250 क्रेडिट। अनिल कुमार को डेबिट करना है कितने रुपए से, किस डेट में, क्यों, पक्का। और विनोद को क्रेडिट करना है अनिल के नाम से, सारे हो गए, हाँ या ना, ये तो पक्का है, हमसे कोई ट्रांजैक्शन छूटा नहीं है, पक्का। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है, कैश को डेबिट करो कितने से, 12 जनवरी को टू बैंक, और बैंक को क्रेडिट करना है 250 रुपए से 12 जनवरी को बाय कैश, बोलो, एक डेबिट और एक, तो ये भी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने क्या कर लिया। अब आते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या, तो ड्राइंग अकाउंट खोल लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करो कितने से, 12 जनवरी को टू बैंक के नाम से, और ड्राइंग को तो डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट करो 250 से, किस तारीख को, 12 बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है ड्राइंग के नाम से, बोलो, तो 250 और ड्राइंग 250, एक डेबिट और एक, तो ये भी मेरा हिसाब किताब। अब आते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू विपिन कुमार, बैंक अकाउंट को डेबिट करो कितने से, किस तारीख को, नाम क्या दे दें इधर, अच्छा विपिन का अकाउंट खोला नहीं हुआ है, विपिन कुमार क्रेडिट करना है बाय बैंक 500, किस तारीख को, तो एक जगह क्रेडिट और एक जगह, हो गया ये भी हिसाब किताब। अब बताओ क्या करें, बैंक चार्जेस का अकाउंट खोलना है, कौन सा अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात नहीं, कितने रुपए से, किस तारीख को, डेबिट तो हो गया, क्रेडिट किसको करना है, चल ये भी खत्म हो गया हम लोग का। लास्ट ट्रांजैक्शन बचा, एफडी को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, 19 तारीख है, 17 तारीख, कितने रुपए से, बैंक को क्रेडिट कर दें बाई एफडी, कितने रुपए से, तुम लोग यहाँ एफडी नहीं लिखना, पूरा अकाउंट का नाम लिखोगे, नहीं समझ में आया, एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट, समझ में आया, ये सिस्टम है पोस्ट करने का, हम लोगों ने केवल पोस्टिंग सीखी है, बैलेंसिंग निकालना अभी नहीं सीखा, क्या हम लोग को आज केवल क्या सीखना था, पोस्टिंग बस। किसको नहीं समझ में आया ये, जितने अकाउंट्स खुलते जाएंगे, जितने अकाउंट्स हम लोग जर्नल में खोलेंगे वो सारे हम लोग लेजर में ओपन करेंगे लाइन से, और देखो अब हमें दोबारा खोजने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो तुम लोग क्या करते, एक अकाउंट बनाते खोजते हो, दूसरा अकाउंट बनाते खोजते हो, और बाद में अपने आप को कोसते हो, अरे हाँ भाई, खोज खोज कर कोसते हो, है कि नहीं,
कि मिला नहीं, पता नहीं कहाँ गलती हो गई। अब इसमें गलती होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक साथ डेबिट और उसी समय जैसे डेबिट किया उसी समय क्रेडिट भी कर दो। और अगर प्रूफ करना चाहते हो सारे ट्रांजेक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं, जरा देख कर बताएं तुम्हें कि कुछ छूटा नहीं है, दिखाएं। एक अकाउंट पकड़ो, एफडी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक तारीख में टू कैश है तो कैश में एक तारीख में बाई एफडी, मिल गया बोलो। अच्छा, एफडी में 17 तारीख को टू बैंक है तो बैंक में 17 तारीख को देखो बाई एफडी हुआ, मैच कर गया, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसका मतलब ये सब चोखा चोखा सही है आंसर, खा मत लेना। टू बैंक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 जनवरी में है तो बैंक में 12 जनवरी को क्रेडिट होगा, है ना। कैश में क्रेडिट है एफडी 5000 हो गया, कैश में क्रेडिट है बाई बैंक 2500 से 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को डेबिट होगा कैश। देखो सब मिलता जाएगा उस समय, कटता जाएगा और सब निलबटा सन्नाटा हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट सब जीरो। इसका मतलब हमने हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट और हर एक क्रेडिट के साथ एक डेबिट किया है, पक्का। कुछ पूछना हो तो बता दें, हम लोग का लेजर चैप्टर ओवर, यही था लेजर में। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एक क्वेश्चन पिक करेंगे उसमें हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे, लेजर भी खोलेंगे, बैलेंसिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो भी बताएंगे। नहीं समझे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के जितने मेथड्स हैं वो देख लेंगे। थैंक यू बच्चों।